नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। मैं हूं आपके साथ हेमलत। खाली बेडों की गलत जानकारी दे रहा संजीवनी ऐप, एक से दूसरे अस्पताल भटक रहे मरीज और परिजन, जाने पटना में बेडों की स्थिति। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए महीनों पहले बिहार सरकार ने अपना ऐप संजीवनी लॉन्च किया था, लेकिन इस ऐप को अपडेट नहीं किया जा रहा है। इसके कारण कोविड संकट के इस दौर में मरीजों और परिजनों को यह ऐप गलत जानकारी दे रहा है। ऐप पर नजदीकी कोविड अस्पतालों की जो सूची दी गई है वह अपडेट नहीं है। कई दिनों से बिना अपडेट किए यहां गलत जानकारी दी जा रही है। ऐप पर कोविड अस्पतालों के नाम के साथ वहां कुल बेड की संख्या और खाली बेडों की संख्या की जानकारी दी हुई है, लेकिन जब हमने इस सूचना की अस्पताल से पूछकर जांच की तो पता पाया कि यह गलत है और काफी पुरानी जानकारी है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की इस पर अब तक नजर नहीं पाई है। ऐप के मुताबिक रूवन मेमोरियल अस्पताल में 97 बेड है, जिनमें से 26 खाली है, जबकि यहां 230 से ज्यादा बेड कोविड मरीजों के लिए है और सभी भरे हुए हैं। इसी तरह फोर्ड हॉस्पिटल में 50 बेड है और सभी फुल है, जबकि संजीवन ऐप पर दिखा रहा है कि यहां 55 बेड है, जिनमें 46 खाली है। पार्स अस्पताल में कोविड मरीजों के 65 बेड है और सभी फुल है, जबकि ऐप पर यहां 55 बेड है और 46 खाली है। अनिसाबाद स्थित MSY सभी फुल है, जबकि ऐप पर सभी बेड खाली है। इसी तरह के अपडेटेड खबरों के लिए बने रहे लाइव लॉन्ग बिहार के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।